प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना वार्ड कायम। महकमा हेल्थ ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की लिस्ट जारी कर दी। शहरी निजी अस्पतालों से फीस के बिल मुहलिक वायरस का इलाज करा सकेंगे। पीआईए की एहतियाती तदाबीर, अंदरून मुल्क परवासों में मुसाफिरों के लिए खाने की फराहमी आर्जी तौर पर बंद। परवासों में अखबारात रसाइल की फराहमी भी मुअत्तल। सीओ पीआईए एयर मार्शल अरशद मलिक ने हिदायत जारी कर दी। सर्विसेज अस्पताल में 19 चीनी बाशिंदों के कोरोना टेस्ट क्लियर। अस्पताल आने वाले चीनी बाशिंदे सी पैक मंसूबे पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आइंदा 8 घंटों तक तमाम चीनियों की टेस्ट रिपोर्ट्स मौसूल हो जाएंगी। और रावी रोड के इलाके में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातें। बेकरी के ताले तोड़कर 2 लाख कैश का सफाया। रात गए घर आने वाले शहरी से गन प्वाइंट पर 46,000 नकदी गन लूट ली गई। इलाका मकीन, पुलिस गश्त के निजाम पर गैर मुतमईन। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना वार्ड कायम। महकमा हेल्थ ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की लिस्ट जारी कर दी। शहरी निजी अस्पतालों से फीस के बिल मुहलिक वायरस का इलाज करा सकेंगे। पीआईए की एहतियाती तदाबीर, अंदरून मुल्क परवासों में मुसाफिरों के लिए खाने की फराहमी आर्जी तौर पर बंद। परवासों में अखबारात रसाइल की फराहमी भी मुअत्तल। सीओ पीआईए एयर मार्शल अरशद मलिक ने हिदायत जारी कर दी। सर्विसेज अस्पताल में 19 चीनी बाशिंदों के कोरोना टेस्ट क्लियर। अस्पताल आने वाले चीनी बाशिंदे सी पैक मंसूबे पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आइंदा 8 घंटों तक तमाम चीनियों की टेस्ट रिपोर्ट्स मौसूल हो जाएंगी। और रावी रोड के इलाके में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातें। बेकरी के ताले तोड़कर 2 लाख कैश का सफाया। रात गए घर आने वाले शहरी से गन प्वाइंट पर 46,000 नकदी गन लूट ली गई। इलाका मकीन, पुलिस गश्त के निजाम पर गैर मुतमईन।